ये देखिए सर, ये बेसिंग है, दोनों पल्ला खोलो बेटा। ये बेसिंग है, ये आपका डस्टबिन वाला है, ये बोतल वगैरह रखने के लिए है, ये जो आप देख रहे हैं बंद कर, ऐसे ना बंद करना तुम्हें साथ छोड़ दे, अपने आप बंद ही का हाइड्रोलिक ही ने फोन। ये है थाली बास्केट, दूसरा रखो बंद करेगा, नीचे रखो प्लेट है, प्लेट बास्केट है, इससे बंद कर दे तो होगा वीडियो में, इसे छोड़ दे बंद करिएगा। ये बोतल पुल आउट है, ये सब हाइड्रोलिक चैनल पे है। ये आपका हो गया कॉर्नर पूरा, फिर ये 180 डिग्री खुलता है, इसमें मैंने 180 डिग्री कब्जा लगाया है। सिलेंडर फुल, ये आपका होगा सिलेंडर के लिए बंद कर, यह आपका कटलेरी, यहाँ पे आपका छिमनी रहेगा, सॉरी यहाँ पे आपका चूल्हा रहेगा, ये प्लेन बास्केट है कुकर कढ़ाई रखने के लिए जी कर, ये भी प्लेन बास्केट है, इसमें कोई भी बड़ा सामान आप रख सकते हैं। ये टेंडम बॉक्स है, ये हैटिक का है फिटिंग पूरा, इसको बोलते हैं टेंडम, ये सारे हाइड्रोलिक चैनल पे हैं। ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सब टेंडम बॉक्स है, अभी इसके ऊपर का अटैचमेंट अलग से आएगा। बंद कर बेटा, ये भी आपका बॉक्स टेंडम वाला है, इसको बोलते हैं यूनोटेक हाइटिक है। ये आपका कॉर्नर हो गया, ये भी 180 डिग्री खुलता है, बस बस बंद कर दें। ये आपका ओवन के लिए है, ये आपका शोकेस के लिए, यहाँ पर फ्रिज आएगा, फ्रिज के ऊपर ये है, ऊपर से दिखा, ये खोल के दिखा, ये खोल खोल छोड़ दे, ये सब आपका हाइड्रोलिक पंप पे है, बंद कर दे। ये आपका ऊपर का अटैचमेंट है, उधर से ये आपका कॉर्नर हो गया, ये वाला बंद कर देंगे, इधर से बंद कर देंगे। ये आपका चिमनी वाला एरिया है, यहाँ पे चिमनी लगेगी, ये चिमनी कवर करने के लिए डोर लगाया मैंने, ये भी हाइड्रोलिक पंप पे है। ये सब अपना मसाला डब्बे वगैरह रखने के लिए है। ये आपका कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर है,
जरा खोलेगा तो अच्छा, इसके अंदर के सारे सेल्फ फोल्डिंग में है। उठाओ जरा इसको, ये गीजर के लिए हो गया, यहाँ गीजर लगेगा। और ये आरओ वाला हो गया, यहाँ पे आरओ लगेगा, बन गया। ये आपका ब्लेसिंग हो गया, ये आपका वाइट मार्बल है। यहाँ पे आपका ये चिमनी के जस्ट नीचे हब लगेगा, यहाँ पे चूल्हा हब वाला लगेगा। बोला